अब आइए मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में एक सिमिलैरिटी है, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई इन्होंने। उन्होंने वहां पे भी विधायक खरीदे कर्नाटक में, और मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर सरकार लोकतंत्र करने का काम किया। जो ये तो कहते, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं, वहां पे तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से जब बात कही तो वसुंधरा जी ने कहा मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है, और ये बात तो वहां पे उन्होंने कही। तो जब वो हम क्या होता ही नहीं है तो फिर कैसे खरीदने वाली बात, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। प्रतीक जी, झूठ बोलने का, झूठ बोलने का काम सिर्फ इनका है, इनकी पार्टी का नाम ही बहुत झूठी पार्टी है, बीजेपी का नाम बहुत झूठी पार्टी। भाई ये तो बात चीफ मिनिस्टर कह रहे थे। जी शैलेन जी बहुत नाराज है। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ। उतर गया शैलेन्द्र जी। देखिए देखिए, व्यक्ति का चरित्र और ज्ञान दो अलग अलग विषय होते हैं। एक जरासी का नाम जीत क्या हुई, लोगों के जो है चरित्र किस तरह से है वो किस तरह से बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए आचरण, देखिए आचरण, देखिए। अरे भैया, आपको जो है संभलने की आवश्यकता है। आप याद करिए पंजाब को, पंजाब में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी, किस तरह से हस्त हुआ वहां। सरकार आती आती सरकार को आप संभाल नहीं पाए। अभी हिमाचल में इन्होंने वादा किया कि महंगाई को लेकर सरकार जैसे ही बनती है ₹3 वैट बढ़ा देते हैं। तो अभी तो जो है 9 दिन नहीं हुए हैं, अभी तो इंतजार करने की आवश्यकता है। थोड़ी शालीनता लाइए। जनता ने अगर आपको समर्थन दिया है तो दूसरी तरफ भाजपा को देश के 23 करोड़ लोगों का प्यार आज भी है। आप तो 52 सीट पे है ना। आया 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 जी, रुकिए, नमस्ते। सर कहाँ से आना हुआ आपका? मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से बहुत बहुत स्वागत है इस गर्मी में, भीषण गर्मी में। आपका प्रोग्राम हम बहुत समय से देख रहे हैं, बरसों से देख रहे हैं, आपको रूबरू देखने आ जाए हैं स्पेशली। तो मैं ठीक तो हूँ ना, बिल्कुल बहुत शानदार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाऊजी। आप आए गोरखपुर से, इस भीषण गर्मी में खड़े होना, इंतजार करना और बोलने के लिए कुछ अपना मैटर रखना, ये आसान काम नहीं है। इस जगह पे तमाम सारे लोग आते रहते हैं, ऐसे ही यहाँ समस्याओं को बताते रहिए, जगाते रहिए और सही दिशा देते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एक ऑटो वाले भैया जिन्होंने अपनी बात कही थी शुक्रवार को कि उनका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे फॉलो अप किया गया। और अंकित बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया कह रहा हूँ कि आपने उसको फॉलो अप किया और उनके इलाज के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, मशीन कब ठीक होगा वो? अरे आप मशीन पहले इलाज करा लो, पहले इलाज करा लो, फिर सफदरजंग से बात करेंगे कि मशीन उनकी कब ठीक होगी और कब पहुंचेगी। जी जनाब, हमको तो खुशी प्रतीक जी इसी बात की है कि नंदनी बच गई। अच्छा, नंदनी बच गई कर्नाटक में। हाँ, दूध जो दुग्ध उत्पादन है उनके सहकारिता, सबके जिंदगी से जुड़ी हुई चीज। हाँ, ये तो हरे पे फंस गया करके। देखिए फिर आ गया रंग पे, ये रंग किसका है भाई? भगवा हम लोग का नहीं है, हरा उनका नहीं है। ये लोग रंगों पे लड़ाते हैं, जो बेचते हैं ये फूलों की खुशबू, इनका बस चले तो मुर्दे का कफन बेच डाले। राम 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 राम। अरे ऐसा ना बोलिया, ऐसा ना बोला, मैं आ रहा हूँ। अरे ऐसा ना, खुशबू बेच रहे, मैं आ रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड। फूल की खुशबू बेचने वाले अगर उनको समय मिल गया तो मुर्दे का कफन बेच। अरे रुकिए भाई, तन बेच देंगे या मन बेच देंगे, मुर्दे का उड़ा कफन बेच। अरे बाप रे बाप, क्या राजनीति है। चुपचाप बैठ जाओ, भगा दूंगा, बड़े हो चुपचाप। कहाँ आ रहे भैया, आ रहे पेड़ पे, और बैठ जाओ तो वहां तक भी आएंगे। उतनी दूर ले, लंबे चौड़े आदमी, इधर आओ, वहां ना जाओ, इधर वहां कैसे जाऊंगा मैं, इधर आओ, इधर खड़े हो आके। जी भैया कहाँ से आए? छपरा से हैं मैं। छपरा? अरे नहीं, आप सारे से। जी क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम मोहित है सर। मोहित जी, क्या काम करते हैं साहब? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। प्राइवेट जॉब करते हैं, यहीं पे दिल्ली में काम करते हैं? जी सर, जी सर। रहने वाले कहाँ के हैं? सर यूपी के बागपत से सर। यूपी के? अरे तो बगल में छलांग लगाओ तो बागपत पहुंच जाओ, कितनी दूर है। जी सर। जी तो कुछ कहना है आज आपको? क्या कहना है सर? कल मदर डे था, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मदर डे पे कहना चाहते हैं, बिल्कुल कहो यार, मेरे बिल्कुल एकदम दिल के करीब वाली बात होती जब माँ की बात हो और तमाम। रुको, और कोई मुद्दा ऐसा हो जो बिल्कुल संवेदनशील हो तो मुझे अच्छा लगता है। घर गृहस्थी की, परिवार की, आज परिवार का दिवस पर भी बात होनी चाहिए, परिवार पर भी बात होनी चाहिए। अच्छा चलिए, मदर डे पे बोलना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में माँ से पिटे हो कि नहीं पिटे हो? जी सर, जी सर। खूब पिटे या थोड़ा पिटे? थोड़ा बहुत सर। हम तो यार खूब पिटे, हमको तो खूब पिटाई हुई। बहरहाल बोलो। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, हर व्यक्ति को सर एक माई जन्म देती है, एक औरत ही जन्म देती है सर। तो सर माँ से बढ़कर तो कोई होता नहीं है सर।
मैं ना नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ सर, चाहे कोई व्यक्ति विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, या कोई किसी पार्टी का क्षेत्रीय नेता हो, जिस पार्टी की सरकार हो उस राज्य में, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जैसे रेप की जो घटनाएं घटती है उसको लेकर मतलब क्षेत्रीय नेता सरकार के माध्यम से, सरकारी वकीलों के माध्यम से रेप पीड़ित महिलाओं की मदद करे, ताकि हर रेप पीड़ित महिला को न्याय मिले और जल्दी से न्याय मिले, रपट लिखी जाए जल्दी से, FIR हो और उनको न्याय मिले ही ना, न्याय होता दिखे भी। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपने मदर्स डे के उपलक्ष्य में कही, कल था लेकिन आज आपने कही, और ये तो बात मैं कह रोज कहा करिए आके, ये बात तो ऐसी है कि रोज बोली जानी चाहिए महिलाओं तरफ से। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ क्या? श्याम राम, राम है नाम, क्या बात है। तो हमने बात शुरू करी थी बजरंग बली से, राम तक आके बात खत्म हुई है। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। पहुंचा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सुखोई 34 फाइटर जेट, सुखोई 35 फाइटर जेट और दो MiG-8 हेलीकॉप्टर जो एक छापेमारी दल का हिस्सा थे, उन पर एक साथ अटैक कर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि चर्निहाइव इलाके में सभी मिसाइल और बॉम्ब अटैक के लिए जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उसे टारगेट कर दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी रिहाई के बाद देश की सरकार और सेना पर जमकर हमला बोला और उन पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान में इस तरह के हालात उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे। So democracy is an all-time low. The only hope we have is the judiciary. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने मेरा किडनैप किया और मुझे मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मेरे घर को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा इमरान खान पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर भी जमकर बरसे और उन पर चुनाव से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सारी पार्टियों को डर है कि अगर चुनाव हुआ तो PTI उनका सफाया कर देगी। इंटेंशन इज दैट दे वांट मी आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस। इमरान खान ने कहा कि उनका मकसद ऐसे वक्त में चुनाव कराना है जब मैं ना रहूं। दे हैव डिसाइडेड दैट द ओनली वे दे'ल अलाउ इलेक्शंस इज इफ आई एम इनसाइड जेल और किल्ड। इमरान का आरोप है कि उनकी मौजूदगी में सेना उनके घर में घुसी, वहां तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ बदसलूकी की। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर बरसे और पाकिस्तान में हुए प्रदर्शन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हिंसा हुई वो उनकी प्लानिंग के मुताबिक की गई थी। उनके मुताबिक इमरान खान ने अपने समर्थकों को ये बताया था कि उन्हें कहां कहां हिंसा करनी है। इस मकसद के लिए बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी गई पेट्रोल बम बनाने की। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी सबूत मिले उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने हिंसा आगजनी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की